गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी कैसे फ्रेंड्स, आई होप कि टाइम पर खूब ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, तो करते रहे एंजॉय। तो आज मैं आप सभी को बहुत ही अच्छा रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ, और वो क्या है आप सभी को पता लगेगा थोड़ी देर में, और आप सभी को वीडियो जरूर देखना है एंड तक। आज मैं बात करने वाली हूँ डार्क सर्कल क्यों होते हैं और क्यों किस वजह से होता है, उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं और हम इसके लिए कौन सा रेमेडी यूज कर सकते हैं। तो वीडियो पर थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा नॉलेज डार्क सर्कल क्यों होता है। तो डार्क सर्कल होने के लिए कई बहुत सारी रीजन्स होती है। एक तो होता है नींद कम लेने की वजह से भी मतलब डार्क सर्कल होती है, आपकी पेट की प्रॉब्लम है गैस की प्रॉब्लम से, और आपकी पेट के अंदर कुछ बीमारियां है तो तब भी आपकी डार्क सर्कल की आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इसी तरीके से लिमिट कीजिए और पानी खूब पीजिए, टेंशन कम लीजिए, ज़्यादा सोचना बंद कीजिए, और आपको रात को जल्दी सोना है, सवेरे जल्दी उठना है, और पानी खूब सारा पीना है, और इस तरीके से आपके पेट को हेल्दी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आपको डाइट भी हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सारे बात को आप ध्यान रखोगे और अपने ऊपर ट्राई करोगे, अपने आप को ठीक करोगे, हेल्दी रखोगे, तो आपकी डार्क सर्कल जितनी भी है वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगा। आप अंदर से आप हेल्दी रहो, आपके माइंड को हेल्दी रखो, तो आपकी डार्क सर्कल धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइज, आप एक बार ये सब यूज करके देखो, डार्क सर्कल को ठीक कर सकते हो। ठीक करने का सबसे मेन दवा आप ही खुद हो, अपने डार्क सर्कल को रिमूव आप खुद कर सकते हो। तो थोड़ा सा इधर उधर का जो रेमेडी होता है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, उस तरीके का रेमेडी आप बाहर से यूज करो, अंदर से आपको हेल्दी रखो, हेल्दी डाइट। उस रेमेडी को आपको डेली यूज करोगे तो कुछ ही दिनों में, आप कुछ ही वीक में आपकी डार्क सर्कल है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो बस यही था, थोड़ा सा नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहती थी, वो रेमेडी क्या है। तो वीडियो पर बने रहे, और इससे पहले आप सभी मेरे चैनल को पहली बार देखो तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करना, बिल्कुल मत भूलिए। इस तरीके का अच्छी अच्छी और बेनिफिट्स वाला ट्रिक रेमेडी एंड नॉलेजफुल वीडियोस में आती रहती हूँ, इसलिए आप सभी को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको खीरा और आलू लेना है, इन दोनों को अच्छी तरीके से इसको धोना है, और छिलके सहित इसको कद्दूकस कर लीजिए। इसकी इक्वल क्वांटिटी होना चाहिए, आपको पूरी की पूरी ऐड नहीं करना है, जितना 3 से 4 चम्मच आपका जूस चाहिए, और इस तरीके से हिसाब से आपको कद्दूकस करके इसकी जूस निकाल लेना है एक छलनी की हेल्प से। देखिए मैंने यहाँ पर एक छन्नी की हेल्प से मैंने पूरा जूस निकाल लिया है, और इतना जूस आपके डार्क सर्कल रिमूव करने के लिए काफ़ी। आपको डेली फ्रेश जूस निकालना है और डेली यूज, और ये जूस निकालने के बाद ये छिलके जो रह गया है इसको आप 1 चम्मच चीनी ऐड कर लीजिए, और चीनी ऐड करने के बाद इसको एज अ स्क्रब की तरह आपके फेस पर लगा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब का काम करता है। आपको ये पैड लगाने से पहले इससे आप पूरे चेहरे को 5 मिनट तक स्क्रब कर लीजिए, और स्क्रब करने के बाद 2 कॉटन पैड ले लीजिए, और जो जूस है उसके अंदर डीप कर लीजिए, पूरा इसके अंदर भिगोना है आपको, और इसको थोड़ा सा हल्का ही निचोड़ के आपकी पूरी गिल्लाई आपकी आइज के ऊपर रखना है, ढकना है, आइज को अच्छी तरीके से बंद रखिए, और 15 से 20 मिनट तक आपको इस तरीके से ढककर ही रहना है, आपको सोना है, कुछ भी कर लीजिए, और इसको 10-15 मिनट तक ऐसे रहने दीजिए, और 10-15 मिनट हो जाने के बाद आपको इसको पैड को निकाल लेना है, और इसी पैड से आपके चेहरे को पूरा आप स्क्रब कर सकते हो, अच्छी तरह मसाज कर सकते हो, हल्का ज़्यादा रब नहीं करना है आइज़ के आसपास, पूरे चेहरे पर भी कर सकते हो, इसकी वजह से आपकी जितनी भी दाग धब्बे हैं चेहरे पर वो भी निकल जाएगा, और जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे करके ट्रस्ट मी गाइस रिमूव हो जाएगा, कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। आपको ये जरूर करना है, और इस तरीके से रोज करना है, आपको 1 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। वीडियोस देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियोस को भी लाइक कर लीजिए, एंड आप शेयर भी कर सकते हो, कमेंट्स भी कर लीजिए, और आप सभी से मिलती हूँ मैं ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।